सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सिस्टर मेरे को, ये रैन बसेरा में रहती है और इसकी फैमिली, बच्चे हैं चार इसके साथ। ये रैन बसेरा में कहाँ यूपी से आई है और मुझे एक दिन अपनी गली में मिली थी। ये बहुत परेशान थी, बहुत उदास सी थी, तो मैंने जैसे इसको देखा, मेरा मन ने यही गवाही दी कि मैं इसको शुभ संदेश सुनाऊँ। इसको मैंने शुभ संदेश दिया प्रभु का। इसने सुना तो ये बहुत रोने लगी कि कहती है, हम ऐसे ही किसी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जो हमें आज तक नहीं मिल पा रहा। तो मैंने इनको प्रभु के बारे में बताया, इन्होंने सुना उस समाचार को, अच्छी तरह से सुना और समझा इन्होंने। इन्होंने बोला कि आप हमारे लिए एक प्रार्थना कर दो। कि मैंने कहा आजो मेरे साथ, मेरे घर पास में ही है, हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर। इसके मैं घर पे लेके गई, हमने प्रार्थना करी। तब से लेके ये अब तक परमेश्वर में इतना बिलीवर हो गई है, पूरी तरह से विश्वास करती है। इसके बच्चे भी विश्वास में बढ़ रहे हैं। इसकी ये लड़की है, खड़ी हो जाती में एक मिनट, ये लड़की है इनकी। तब अपने आप को ये लड़के का वो बताती है कि मैं लड़की नहीं बनूंगी, मैं लड़का ही रहना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, जो परमेश्वर ने तुझे ये वरदान दिया लड़की का, तो वो तू अपने आप को नहीं बदल सकती है। तो इसको 3 दिन की टीनेजर की मीटिंग में हमने भेजा, ये गई। वहाँ पे भी परमेश्वर ने जीवन, इसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। परमेश्वर ने इसको वो दिखाया कि एक कबूतर इसके पास बैठा है। जब ये प्रार्थना में थी, पास्टर प्रार्थना करवा रहे थे, एक कबूतर आया इसके यहाँ कंधे पे बैठ के इसे, इसको पंखों से ऐसे ऐसे हिला रहा है, प्यार कर रहा है परमेश्वर। तो इसने बताया कि मेरे को प्रभु ने ऐसा दर्शन दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस बच्ची को परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है और ये बच्ची आगे बढ़ती जाए दिन पर दिन। हम यही प्रार्थना करते हैं इसके लिए। और कल भी ये मेरे पास आई मेरे घर पे, तो कहती आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ ना समझ में नहीं आ रहा। मैं कह तू क्या समझना चाहती है? कहती है कुछ समझ नहीं आ रही, प्रभु मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा तू ऐसा कर, तू अलग कमरे में चली जा, वहाँ बैठ के तू प्रार्थना कर, प्रभु से पूछ, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी देर प्रार्थना करके रोती हुई मेरे पास आई, कहती है प्रभु ने मेरे मन में ये डाला है, याकूब का पत्री खोल और उसका वो 5वां लेसन पढ़ो, अध्याय इसका, याकूब का 1:5। वो इसको मैंने बाइबल में से निकाल के दिया। मैंने कहा ये वचन पढ़, ये बुद्धि की घटी के लिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो फिर रात को फिर कहती है प्रभु ने मुझे बोला कि अपने भाई बहनों को इकट्ठा कर और उनको याकूब की वो वचन सुना। फिर ये रात को अपने घर पे अपने भाई बहनों को लेके बैठी और उन्होंने वचन सुनाया। इसने वचन उनके भी कानों में पहुंचाया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु बहुत ताए से इसको इस्तेमाल कर रहा है और ये बहुत आगे बढ़ने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बैठ जाओ। एक गवाही और है, इनके वो जानकार हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट थे, सरदार जी हैं कोई, सुखा सिंह के नाम से। वो अचानक से उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो उनको रामनगर लोहिया में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसके सिर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी और सारा ब्लड इसके मुंह से बाहर निकल रहा है। तो उन्होंने फिर शाम को 4 बजे प्रेयर करी, फोन पे इसी ने प्रेयर करी। फिर इन्होंने मुझे भी बताया कि आंटी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टरों ने बोला कि ये बचेगा नहीं क्योंकि इसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मैंने कहा तू चिंता मत कर, प्रभु उसके साथ है। मुझे इसने बताया, मैं वैसे घुटनों के बल बैठ के मैंने जैसे ही प्रार्थना करी रात को 11:30 बजे मैंने फ़ोन पर प्रार्थना करी इसके साथ। फिर उसके बाद मैंने सुबह इसके से पूछा, मैंने कहा अब उसकी तबीयत कैसी है? कहती है आंटी डॉक्टरों ने बोला था कि 4 बोतल खून की इसको चढ़ेंगी। तो अब दूसरे दिन बाद उन्होंने छुट्टी भी दे दी और 2 ही बोतल खून चढ़ी और उसने प्रभु को, प्रभु ने उसको इतना अधिकतर बचाया, परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ। आज वो बिल्कुल ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। इनके लिए गवाही और मेरी गवाही है, मेरा बेटा जो सर मेरे 2 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, किसी बिना प्रूफ के मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन 4th D क्लास में हो गया मेरे बेटे का, और कोई बिना रुकावट के आगे आगे प्रभु उनके हर काम कर रहे हैं। आधार कार्ड बिना किसी मुसीबत के आगे आगे बने जा रहे हैं। जो 2 साल तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी इन बच्चों के लिए, प्रभु की कृपा से सब काम आगे आगे होते जा रहे हैं।